माय डियर फ्रेंड्स नमस्कार, धरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास ट्वेल्थ के फ्लेमिंगो प्रोज का सेकंड चैप्टर लास्ट स्प्रिंग का थर्ड पार्ट का एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, ये थर्ड पार्ट का एक्सप्लेनेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, जो कि यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। और इसको प्रत्येक तरह से मैं बताने का प्रयास करूँगा, जिससे आपको प्रत्येक वर्ड मीनिंग और प्रत्येक सेंटेंस के ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आते जाएं। मैं चाहूँगा कि आप विधिवत इसको समझेंगे और ये इस लेसन का ये पार्ट आपके लिए बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। माय डियर फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इस पैराग्राफ को। फर्स्ट लाइन देखेंगे यहाँ पर, आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी। आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी का मतलब होता है कभी कभी मुझे एक रुपया मिल जाता है। इवन का मतलब होता है यहाँ तक, ए 10 रुपीज़ नोट, अर्थात 10 रुपये का नोट भी, अर्थात कभी कभी मुझे एक रुपये मिल जाता है, यहाँ तक कि 10 रुपये का नोट भी कभी कभी मिल जाता है। इस लाइन से ये क्लियर हो रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, आगे देखेंगे साहेब सेज का मतलब साहेब कहता है, वो साहेब नामक लड़का कहता है। His eyes lighting up का मतलब होता है उसकी आंखें चमक उठती हैं। His eyes lighting up का मतलब होता है उसकी आंखें चमक उठती हैं। When you can find a silver queen in a heap of garbage, अर्थात जब, when का मतलब होता है जब, कूड़े में, अर्थात जब आप कूड़े में आपको एक चांदी का सिक्का मिल सकता है। When you can find a silver queen in a heap of garbage, heap of garbage का मतलब है तो कूड़े की ढेर में, अर्थात जब कूड़े में आपको एक चांदी का सिक्का मिल सकता है। आगे देखेंगे, You don't stop scrounging, तो आप ढूंढना बंद नहीं करते। You don't stop scrounging का मतलब होता है तब भी आप ढूंढना बंद नहीं करते। आगे देखेंगे For there is hope of finding more, क्योंकि ज़्यादा पाने की आशा बनी रहती है। अर्थात इस कथन को कौन कहता है, लेखिका कह रही है, उस बच्चे से पूछ रही है कि जब आपको कूड़े में एक चांदी का सिक्का मिल सकता है तो आप ढूंढना बंद नहीं करते क्योंकि ज़्यादा पाने की इच्छा बनी रहती है। आगे देखेंगे, इट सीम्स का मतलब होता है ऐसा प्रतीत होता है। इट सीम्स का मतलब ऐसा लगता है अथवा ऐसा प्रतीत होता है। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, दैट फॉर चिल्ड्रन ऐसा प्रतीत होता है, दैट फॉर चिल्ड्रन। आगे देखेंगे कि बच्चों के लिए, दैट फॉर चिल्ड्रन का मतलब होता है कि बच्चों के लिए गार्बेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट, बच्चों के लिए कूड़े का अर्थ कुछ अलग है। ध्यान देंगे, इट मीन्स टू दियर पेरेंट्स, अर्थात उनके माता पिता के लिए जो अर्थ है फ्राम हार्ट, अर्थात उनके माता के लिए जो अर्थ है कूड़े का वैसा नहीं है, बल्कि बच्चों के लिए कूड़े का अर्थ उनके माता पिता के लिए जो अर्थ है उससे क्या है, भिन्न होता है, उसमें भिन्नता पाई जाती है। आगे देखेंगे, फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, अर्थात बच्चों के लिए ये आश्चर्य से लिपटी चीज़ होती है, अर्थात जो बच्चे होते हैं उनसे, उनके लिए ये आश्चर्य से युक्त चीज़ें होती हैं, जो भी चीज़ें वो पाते हैं एक आश्चर्य होता है। फॉर द एल्डर्स और बड़े बूढ़ों के लिए इट इज़ ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल का मतलब होता है एक कूड़ा के रूप में, एक जीवित रहने का एक साधन मात्र होता है, अर्थात बच्चों के लिए एक आश्चर्य के रूप में होता है कूड़े का बिनना, कूड़े में जो भी प्राप्त करते हैं, परंतु जो बड़े बड़े बूढ़े लोग होते हैं उनके लिए जिंदा रहने का एक साधन होता है। इट इज़ ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल का मतलब होता है उनको जीवित रखने का एक साधन मात्र होता है क्या, ये कूड़े का कार्य। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, वन विंटर मॉर्निंग का मतलब होता है सर्दी की एक सुबह। वन विंटर मॉर्निंग का मतलब
सर्दी की एक सुबह, आई सी साहब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, अर्थात सर्दी की सुबह में साहब को पास के क्लब के बाड़ अर्थात जो बाड़ होता है, गेट होता है, उस दरवाजे के नज़दीक खड़े हुए देखती हूँ। लेखिका कहती है कि वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट, यानी कि दरवाजे, यानी उस जो दीवार के दरवाजे लगे हुए थे गेट के सामने साहब को खड़े हुए देखती हूँ। द नेबरहुड्स क्लब, जो कि पड़ोसी के करीब का पड़ोस में वो क्लब था, अर्थात सर्दी की एक सुबह में साहब को पास के एक क्लब के बाहर के लगे दरवाजे के नज़दीक खड़े हुए देखती हूँ। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, ये लाइन आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वन विंटर्स मॉर्निंग आई सी साहब, अर्थात सर्दी की एक सुबह में साहब को आई सी मतलब साहब को देखती हूँ स्टैंडिंग में खड़े हुए, कहाँ पर, बाय द फेंस्ड गेट, उस क्लब के सामने दरवाजे के नज़दीक खड़े हुए देखती हूँ, कहाँ पर, द नेबरहुड क्लब, जो कि पड़ोस के अथवा पड़ोस में था, जहाँ से वो वाचिंग टू यंग मैन, जहाँ पर वो क्या कर रहा था, वाचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। ध्यान देंगे, जहाँ पर वो कुछ लोगों को देख रहा था जो कि किस ड्रेस में थे, सफ़ेद ड्रेस में थे, क्या खेल रहे थे, टेनिस खेल रहे थे। माय डियर फ्रेंड, देखेंगे इसको, प्लेइंग टेनिस, आई लाइक मुझे आई लाइक गेम। ध्यान देंगे इस लाइन को, आई लाइक गेम, अर्थात मैं इस खेल को पसंद करता हूँ। ही हम्स का मतलब वह गुनगुनाता है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, अर्थात वो उस चार दीवार के पीछे से खड़ा होकर देखकर ही संतुष्टि को प्राप्त करता है। वॉच टू स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस का मतलब होता है उस दीवार के पीछे से देख करके वो अपने आप को संतुष्टि प्राप्त करता है। आई गो इनसाइड का मतलब मैं जब कोई नहीं होता है तो अंदर चला जाता हूँ। आई गो इनसाइड का मतलब मैं अंदर चला जाता हूँ। व्हेन नो वन इज अराउंड, जब कोई आसपास नहीं होता, व्हेन नो वन इज अराउंड का मतलब होता है जब कोई आसपास नहीं होता तो मैं अंदर चला जाता हूँ। आगे देखेंगे, ही एडमिट्स का मतलब होता है वो स्वीकार करता है। आगे देखेंगे, द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, अर्थात जो द्वारपाल मुझे झूले पर झूलने देता है, अर्थात जो द्वारपाल होता है, गेट कीपर होता है, वो उस बच्चे को क्या करता है, झूले पर झूलने देता है, अर्थात वो चाहता है कि ये बच्चा भी झूले पर झूले। कहने का तात्पर्य इस सेंटेंस में यही है माय डियर फ्रेंड्स। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, साहेब टू इज बियरिंग टेनिस शूज। ध्यान देंगे, साहेब ने भी टेनिस खेलने वाले जूते पहन रखे हैं। साहेब टू का मतलब होता है भी, साहेब टू इज बियरिंग टेनिस शूज का मतलब होता है साहेब ने भी टेनिस खेलने वाले जूते को पहन रखे हैं। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट। ध्यान देंगे, जो उसकी रंग उड़ी शर्ट ओढ़ने कर, डिसकलर्ड का मतलब होता है रंग उड़ी शर्ट मीन्स शर्ट एंड शॉर्ट मीन्स नेकर, अर्थात जो उसकी रंग उड़ी शर्ट और नेकर पर कैसा लगता है, स्ट्रेंज मतलब विचित्र लगता है, अर्थात साहब ने भी जूतों को पहन रखा है, अर्थात साहब ने टेनिस खेलने वाले जूते को भी पहन रखे हैं, जो उसके रंग उड़ी शर्ट, जिसके शर्ट की रंग उड़ी हुई है और नेकर पर विचित्र लग रहे हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही है माय डियर फ्रेंड्स, समवन गेव देम। आगे देखेंगे, समवन गेव देम का मतलब किसी ने ये मुझे दिए हैं, समवन गेव देम टू मी, समवन गेव
देम टू में क्या तात्पर्य होता है कि किसी ने मुझे ये दिए हैं। आगे देखेंगे, ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, अर्थात उसने स्पष्टीकरण के ढंग से इस बात को कहता है, वो एक स्पष्टीकरण देते हुए इस बात को कहता है। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, दैट फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, अर्थात ये जो तथ्य है, जो बातें बताई जा रही हैं, ये किसी धनी लड़के के त्यागे हुए जूते हैं। किसके जूते हैं? इसकी जो वास्तविकता है, द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड का मतलब होता है त्यागे हुए, सूज मीन्स जूते, आप सम रिच बॉय, किसी धनी लड़के के त्यागे हुए जूते हैं, जिस जूतों को उस लड़के ने पहन रखा है, कहने का तात्पर्य है माय डियर फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, हु परहेप्स का मतलब, अर्थात जिसने शायद, हु परहेप्स का मतलब जिसने शायद रिफ्यूज टू बियर देम, उसको पहनने से, अर्थात उस जूते को पहनने से मना कर दिया था। किस लिए मना कर दिया था? बिकॉज, क्योंकि आफ ए होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उनमें से एक में क्या था, छेद था, इसलिए उसने जो है उसे पहनने से मना कर दिया था। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, उस जूते में छेद होने के कारण उस लड़के ने, जो धनी घर का लड़का था, उस जूते को पहनने से मना कर दिया था, और उस जूते को इस लड़के ने पहन रखा था, वो उसके विषय में बता रहा है। आगे देखेंगे, आगे ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, डज नॉट बोथर देम, अर्थात वो उनको क्या कर सकता है, परेशान नहीं करता है, अर्थात वो उनको, उसे परेशान नहीं करता है। जब उसने पहनने से इनकार कर दिया तो उसे वो परेशान नहीं करता है, इसका मतलब वो जूता उसके लिए नहीं है। आगे देखेंगे, फॉर वन हु हैज वॉक्ड बियर फूट, अर्थात ऐसे किसी व्यक्ति के लिए जो नंगे पैर घूमा है, फॉर वन मतलब ऐसा कोई व्यक्ति, हु हैज वॉक्ड बियर फूट का मतलब होता है जो नंगे पैर घूमा है, इवन शूज विथ ए होल, अर्थात छेद वाले जूते भी, इवन मीन्स भी, अर्थात इवन शूज विथ ए होल, अर्थात छेद वाले जूते भी, इज ए ड्रीम कम ट्रू, अर्थात जो सच होने से कम नहीं है, उसके लिए एक स्वप्न के रूप में, सपने के सच होने के रूप में हैं, अर्थात सपने के सच होने से कम नहीं है, अर्थात जिसने इस प्रकार के भी जूतों को धारण किया है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंसली, ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, बट द गेम परंतु वह खेल, बट द गेम का मतलब परंतु वह खेल, ही इज वॉचिंग सो इंटेंसिटी, अर्थात परंतु जो उस खेल को, जिसे वो इतने ध्यानपूर्वक देख रहा था, इंटेंटली का मतलब होता है बहुत ही ध्यान से देखना, लेकिन आगे देखेंगे, बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंसली का मतलब होता है परंतु वो खेल जिसे वो पूरे ध्यान से देख रहा है, इज आउट ऑफ रीच का मतलब होता है उसकी पहुँच से बाहर है, अर्थात उसके खेल। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, दिस मॉर्निंग का मतलब होता है आज सुबह, दिस मॉर्निंग का मतलब आज सुबह, साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बोथ, मिल्क बोथ मतलब होता है कि दूध की दुकान, मिल्क बोथ का मतलब दूध की दुकान, अर्थात आज सुबह साहेब दूध की दुकान पर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, दूध की दुकान पर। दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बोथ, अर्थात आज सुबह साहेब दूध की दुकान पर जा रहा है। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, इन हिज हैंड इज ए स्टील कनस्टर, ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, अर्थात उसके हाथ में स्टील का एक कनस्तर है। इन हिज हैंड इज ए स्टील कनस्तर का मतलब होता है उसके हाथ में एक स्टील का कनस्तर है। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, अर्थात मैं इस सड़क पर आगे एक चाय की दुकान में काम करता हूँ। ये क्वेश्चन किया जा रहा है, लेखिका की तरफ से क्वेश्चन किया जा रहा है, उसी के उत्तर में सारी बातें साहेब नामक लड़का जो है बता रहा है माय डियर फ्रेंड्स कि आई नो वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड,
अर्थात मैं इस सड़क पर आगे एक चाय की दुकान में काम करता हूँ। कहाँ पर काम करता हूँ? एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ। ही सेज पॉइंटिंग, ही सेज पॉइंटिंग, पॉइंटिंग का मतलब होता है दूर का इशारा करते हुए कहना, इन द डिस्टेंस, दूर का इशारा। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस का मतलब होता है दूर इशारा करते हुए वो कहता है, कौन? वो लड़का जहाँ पर वो कार्य करता है। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, आई एम पेड, अर्थात मुझे प्राप्त होता है, मैं प्राप्त करता हूँ क्या? 800 रुपीस, 800 रुपये, एंड आल ऑफ आल माई मील्स, और सभी वक्त का भोजन, अर्थात मुझे 800 रुपये और सभी वक्त का भोजन प्राप्त होता है। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, डज ही लाइक द जॉब, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिटिव माय डियर फ्रेंड्स, डज ही लाइक द जॉब, अर्थात क्या उसे काम पसंद आता है या काम पसंद करता है? आई आस्क, आई आस्क का मतलब मैं पूछती हूँ। लेखिका अपनी बात को यहाँ पर रख रही है कि क्या उसे वह काम पसंद आता है, मैं पूछती हूँ। हिज फेस आई सी, मैं देखती हूँ, अर्थात उसके चेहरे को, मैं उसके चेहरे को देखती हूँ। हैज लास्ट द केयर फ्री लुक, वो कैसा दिखाई पड़ता है? बेफिक्र दिखाई पड़ता है, बेफिक्र भाव में वो लड़का दिखाई पड़ता है, अर्थात जो एक स्वतंत्र रूप से भाव को प्रकट करता हुआ दिखाई पड़ता है। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, द स्टील कनेस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, अर्थात स्टील का जो कनस्तर है प्लास्टिक के उस थैले से कहीं ज़्यादा भारी लगता है। द स्टील कनस्टर सीम्स, अर्थात जो स्टील का कनस्टर है वो प्रतीत होता है हैवियर मीन्स भारी, देन द प्लास्टिक बैग, अर्थात प्लास्टिक के बैग से ज़्यादा भारी लगता है, प्लास्टिक के थैले से कहीं ज़्यादा भारी लगता है। ही वुड कैरी सो लाइटली, अर्थात जिसे वो बड़े आराम से अपने कंधे पर ले जाया करता था, अर्थात ही वुड कैरी सो लाइटली, ही वुड कैरी सो लाइटली देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, अर्थात जिसे वो अपने कंधे पर बहुत ही आराम से ले जाया करता था, आराम से अपने कंधों पर ले जाया करता था। देखेंगे ध्यान माय डियर फ्रेंड्स, आगे देखेंगे लाइन को, द बैग वाज हिज, द बैग वाज हिज, इसका मतलब थैला उसका था। द बैग वाज हिज, इसका तात्पर्य हुआ थैला उसका था। द कनस्टर बिलोंग टू द मैन, और जो कनस्तर था वो उस आदमी का है हु ओन्स द टी शॉप, अर्थात जो चाय की दुकान का मालिक हो, ओन्स का मतलब ओनर होता है, जो मालिक होता है, हु ओन द टी शॉप का मतलब जो चाय की दुकान का मालिक है। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, ध्यान देंगे इस सेंटेंस को माय डियर फ्रेंड्स, साहेब अब अपना स्वयं का मालिक नहीं रहा है। साहेब इज नो लॉन्गर का मतलब होता है साहेब नहीं रहा है, हिज ओन मास्टर का मतलब अपने स्वयं का मालिक, अर्थात साहेब अपने स्वयं का मालिक नहीं रहा है माय डियर फ्रेंड। देखेंगे आगे, ये पैराग्राफ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू ड्राइव ए कार, आई वांट टू ड्राइव ए कार, ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है, इंफिनिटिव का प्रयोग इसमें किया गया है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये सेंटेंस बता रहा है कि आई वांट टू ड्राइव ए कार का मतलब कि मैं कार चलाना चाहता हूँ, आई वांट टू ड्राइव ए कार का मतलब मैं कार को चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, मुकेश अपना स्वयं का मालिक बने रहने पर जोर देता है। मुकेश एक दूसरे लड़के का नाम है जो अपनी बात को यहाँ पर कह रहा है कि मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर का मतलब होता है मुकेश अपना स्वयं का मालिक बने रहने पर जोर देता है। आई विल बी ए मोटर, आई विल बी, ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, आई विल बी ए मोटर मैकेनिक,
ये किसकी स्पीच है? मुकेश की स्पीच है, मुकेश का कथन है। मुकेश एक दूसरे लड़के का नाम है माय डियर फ्रेंड्स। वो कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, आई विल बी, ये मोटर मैकेनिक का मतलब मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंस्ड, अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना, ही अनाउंसेस का मतलब होता है वो घोषणा करता है। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स कौन घोषणा करता है, मुकेश घोषणा करता है। किस बात के लिए घोषणा करता है? कि मैं स्वयं का मालिक बना रहूँगा, अर्थात स्वयं के मालिक को बनने के विषय में जोर देता है। और क्या बनने की बात करता है? कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, यहाँ पे लेखिका उससे प्रश्न करती है कि डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स का मतलब हुआ, अर्थात क्या तुम कार के विषय में कुछ जानते हो, क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो। आई आस्क का मतलब मैं पूछती हूँ, अर्थात लेखिका पूछती है उससे कि क्या तुम कारों के विषय में कुछ जानते हो, कारों के बारे में कुछ जानते हो। आगे देखेंगे, आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना सीख लूँगा। वो लड़का कहता है कि मैं कार चलाना सीख लूँगा। हु इज सेइंग दिस कि आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, तो यहाँ पर कहेंगे मुकेश इज सेइंग दिस दैट आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार। ध्यान देंगे प्रत्येक सेंटेंस में माय डियर फ्रेंड्स, मुकेश यहाँ पर कह रहा है कि मैं कार चलाना सीख लूँगा। ही आंसर्ड, ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, ही आंसर्ड का मतलब वह उत्तर देता है कि आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, अर्थात मैं कार चलाना सीख लूँगा। अर्थात वो इस विषय में कहता है, ही आंसर उत्तर देता है, लुकिंग स्ट्राइट का मतलब सीधा मेरी आंखों की तरफ देखते हुए, लुकिंग स्ट्राइट इनटू माई आईज, मेरी आंखों में, अर्थात सीधा वो मेरी आंखों में देखते हुए कहता है कि मैं कार चलाना सीख लूँगा। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, जब भी कोई व्यक्ति किसी से बात कर रहा होता है, यदि उसकी निगाह में मिल जाती है तो समझ लीजिए उसका इरादा पक्का होता है, अर्थात उसके इरादे में किसी प्रकार का कोई खोटापन नहीं होता है। परंतु यदि निगाह से नहीं मिल पाती है तो समझ लीजिए उसके इरादे कच्चे पाए जाते हैं। तो यहाँ पर मुकेश जो है उस लेखिका के आँखों में आँख डाल करके अपनी बातों को बड़े जोर ढंग से कहता है कि आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, मैं एक कार चलाना सीख लूँगा। ध्यान देंगे, आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, हिज ड्रीम्स का मतलब होता है उसका सपना, लूम्स उसका सपना जो है, हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक ए मिराज एमिडस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट। ध्यान देंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, अर्थात उसका सपना उसकी अपनी चूड़ियों के लिए, उसका सपना उसकी जो है अपनी चूड़ियों के लिए मशहूर कस्बे के रूप में, अर्थात हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक ए मिराज एमिडस द डस्ट ऑफ स्ट्रीट दैट फिल्ड हिज ओन फिरोजाबाद। ध्यान देंगे, असार जो चूड़ियों के रूप में प्रसिद्ध जो कस्बा है फिरोजाबाद, तो उसके विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसका जो सपना उसकी अपनी चूड़ियों के लिए मशहूर कस्बे फिरोजाबाद की गलियों की धूल के बीच एक मरीचिका सा प्रतीत होता है, अर्थात उस कस्बे में उस जगह पर लोगों के प्रायः इसी प्रकार से सपने हुआ करते हैं, परंतु उन सपनों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर लेखिका इस अंदाज में इस बात को कहती है कि हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक ए मिराज एमिडस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट, अर्थात उस गलियों की धूल के समान, दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, जो उसके नगर फिरोजाबाद में भरे पड़े हुए हैं, जिनके सपने हमेशा अधे अधूरे रह जाते हैं, फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, जो किसके लिए प्रसिद्ध है, अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पर चूड़ी के ही कार्य होते हैं, ऐसे शहर ऐसे कस्बे के लिए वो उसके सपना जो है एक गली की धूल के समान साबित होगा, अर्थात हो रहा है। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, एवरी अदर का मतलब होता है हर दूसरा, अर्थात एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स,
ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, अर्थात फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार, अर्थात एवरी अदर फैमिली का मतलब होता है, फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार चूड़ी बनाने में लगा है। किस काम में लगा हुआ है? चूड़ी को बनाने में। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज, अर्थात लगा हुआ है इन मेकिंग बैंगल्स का मतलब होता है चूड़ियों को बनाने में, अर्थात फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार चूड़ी बनाने में लगा है। आगे देखेंगे, इट इज फाइन सेंटर, इट इज फाइन सेंटर, इट इज फाइन सेंटर का मतलब होता है माई डियर, ध्यान देंगे यहाँ पर, इट इज़ फाइन सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लासेस ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ये भारत का जो कांच उद्योग है, तो भारत के कांच की आकृति देने वाले उद्योगों का केंद्र है, अर्थात भारत के आकृति प्रदान करने वाले उद्योगों का केंद्र क्या है? वो फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट है माई डियर फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेस, जहाँ पर परिवारों परिवार के जो लोग हैं वो भट्टियों के आसपास, फर्नेस में से होता है भट्टी, अर्थात भट्टियों के आसपास काम करते हुए, अर्थात उसके कार्य में लगे हुए काम करते हुए, होल्डिंग ग्लासेस, वेल्डिंग ग्लास का मतलब होता है ग्लास को, शीशी को तोड़ते हुए कार्य में लगे हुए होते हैं, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल दी वुमेन, और जो सभी स्त्रियों के लिए बैंगल्स अर्थात चूड़ियों को बनाने के कार्य में लगे हुए हैं, इन द लैंड इट सीम्स, अर्थात देश की सभी औरतों के लिए जो चूड़ियों का बनाने का कार्य करती हैं, उनकी पीढ़ियों दर पीढ़ियाँ जो है उनकी सभी पीढ़ियाँ इसी कार्य में अपने जीवन को बिता रही हैं, अर्थात बिताई हुई हैं। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, वोमेन सीज द लैंड इट सीम्स, जो सभी औरतों के लिए चूड़ियों का चूड़ियाँ बनाते हैं, ऐसी उनकी पीढ़ियाँ जो अपने जीवन को इसी कार्य में लगा दी हैं, अर्थात समायोजित कर दी हैं हमेशा के लिए माय डियर फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन माय डियर फ्रेंड्स, दिस पैसेज इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। मुकेश फैमिली, ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, मुकेश फैमिली, मुकेश फैमिली का मतलब माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ थर्ड पार्ट। मैं आपको अगले पार्ट में अगले भाग का वीडियो आपको बताऊंगा, ये बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और इसको आप लाइक और शेयर जरूर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हर एक के पास हमारा वीडियो पहुंच पावे, जिससे मैं आगे आपको वीडियो बना करके सेवा करता रहूँ आपके पास, हर वीडियो हमारा पहुँचता रहे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।